नमस्कार बच्चों, मैं महिमा। आज आपके सामने जो दो टॉपिक हमारे चल रहे थे, जो दो चैप्टर हमारे चल रहे थे, कौन से दो चैप्टर चल रहे थे? हिंदी भाषातः संस्कृतेन अनुवाद और अशुद्धि संशोधन। ये जो दो चैप्टर चल रहे थे उनको हम आगे लेते हैं, उनके नेक्स्ट टॉपिक को मैं लेकर आपके सामने आती हूँ, जिसमें आपके पास मैं जो आपको सिखा चुकी हूँ, पिछले वीडियो दे चुकी हूँ, उसमें लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया यहाँ तक समझा चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने कर्म, कारक और विभक्तियां लेकर आई हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम टॉपिक का, जो टॉपिक आज हम लेंगे उसके मैं टॉपिक का नाम लिख दे रही हूँ। यहाँ हम लिखते हैं कर्म, कारक, विभक्तियां। कर्म, कारक और विभक्तियां। सबसे पहले इस टॉपिक पे हम जो लेंगे, सबसे पहले उसका हम लेंगे, सबसे पहला लेंगे कर्म। ये कर्म जो है बच्चों क्या है? अभी तक आपने पीछे वाली वीडियो में सीखा था कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता हमने आपको बताया था, जो काम कर रहा होता है वो कर्ता कहलाता है, राइट। और क्रिया हमने आपको क्या बताई थी? जो वाक्य में काम हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म होता है वो, जैसे मैं आपको, जो काम हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है वो कर्म कहलाता है, राइट। जैसे हम आपको बताते हैं कि हम आपके पास एक उदाहरण देते हैं, सीता सीता वनम गच्छति, ठीक है, सीता वनम गच्छति। अब आप ये देखेंगे, आप ये देख रहे हैं इसमें कौन काम कर रहा है? सीता, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? जाने का। तो सीता करता हुआ आपका ये क्या बना? कर्ता। जो काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। और ये गच्छति हमारा क्या बना? काम क्या हो रहा है? काम हमारा हो रहा है जाने का, तो ये क्या बना? क्रिया। अब कौन सा काम हो रहा है? वन को जाने का काम हो रहा है ना, तो ये कहलाता है हमारा कर्म। कौन सा काम हो रहा है? वन को जाने का काम हो रहा है, राइट। तो ये हमारा, अब आज हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? ये कर्म सिखाने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से बच्चों समझ गए होंगे, एक उदाहरण के द्वारा मैंने, जो काम हो रहा होता है उसे, जो काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो जैसे आप, कौन काम कर रहा है? सीता काम कर रही है। और क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। क्या काम, कौन सा काम हो रहा है? वन को जाने का। तो कौन सा में आपका क्या आया? कर्म, राइट। तो अब हम, आज हम जो सीखेंगे वो कर्म सीखेंगे, है ना। अब कर्म सीखने के लिए बच्चों हमें कारक सीखने पड़ते हैं। अब हमें कर्म सीखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कारक। कर्म सीखेंगे तो कारक सीखेंगे, और हमारे पास कारक जो होते हैं, आपने छोटे क्लासेस में बच्चों सीखे हुए हैं कारक, कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। अब कौन से कारक होते हैं वो मैं बता रही हूं। कर्ता ने ने
आपने छोटी क्लास में, फिफ्थ सिक्स क्लास में हिंदी में भी बच्चों सीखे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से से संबंध काकी के अधिकरण में पर अधिकरण संबोधन हे अरे ये संबोधन है। ठीक है, तो कारक ये आपको बच्चों आपने ये कारक जो सीखे हैं ये आपके छोटी क्लास में भी आपने सीखे होंगे, हिंदी में भी सीखे हैं और आपको संस्कृत में भी ये काम आएंगे। ओके, तो ये आपने कारक सीखे। अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको इधर मैं सिखाती हूँ। अब हम चलते हैं तीसरा विभक्ति, ये जो तीसरी आपके पास विभक्तियां आ रही हैं, हम किस पे चलते हैं, इन विभक्तियों पे चलते हैं। ओके, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे विभक्ति। विभक्ति, अब ये विभक्तियां क्या है, अब जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी विभक्तियां बनती हैं। होते हैं उनकी विभक्तियां बनती हैं। उनकी विभक्तियां बनती हैं बच्चों। ठीक है, अब जो विभक्तियां बनती हैं वो कैसे होती हैं, ये जो होती है सात विभक्तियां होती हैं, आठ ही कही, आठ सात विभक्तियां होती है, एक संबोधन होता है, तो ये हम आठ विभक्तियां होती है। ये विभक्तियां भी कितनी होती हैं, ओके। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आठों विभक्तियों से पहले, चलिए आठों विभक्तियां आपने आपको हर बुक में, ग्रामर बुक में मिलेंगी। अब जैसे मैं संज्ञा शब्द लेती हूँ, संज्ञा शब्द ये है बालक, संज्ञा शब्द बालक। अब संज्ञा शब्द बालक की साथ हमारी विभक्तियां बनेंगी, कैसे विभक्तियां बनेंगी, आप देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति,
पंचमी विभक्ति, फिर आ जाता है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और फिर संबोधन। ओके, अब संज्ञा बालक शब्द के, और इधर हमारा होता है एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक, आप जैसे मैंने बालक के कहूं तो बालक के सबसे पहले, अब ये रूप चलेंगे। आपने संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द के रूप सुने होंगे, आपके हर बुक में बहुत सारे रूप मिले होते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द के। बच्चों दो बातों का ध्यान रखना, रूप दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक धातु रूप और एक संज्ञा सर्वनाम रूप। धातु रूप जो होते हैं वो क्रिया में काम आते हैं, जो मैंने आपको तीन वचनों में, तीन पुरुष में सिखाए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जैसे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। अब वो आप क्रिया के रूप थे, अब आप किसके रूप करने जा रहे हैं, अब आप संज्ञा और सर्वनाम शब्द के रूप करने जा रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के रूप इन सात विभक्तियों में चलते हैं, सात विभक्तियां होती है, एक संबोधन होता है। ओके, तो ये अब हमारे, अब हम क्या सीख रहे हैं, कौन से रूप सीख रहे हैं बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम के रूप सीख रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम के रूप आपकी बुक में, जो भी ग्रामर बुक होगी आपके पास, कोई ना कोई ग्रामर बुक जरूर होगी, आपको हर बुक में संज्ञा और सर्वनाम शब्द के रूप मिलेंगे, राइट। अब जैसे मैं आपको सिखा, एक आपको एग्जाम्पल देके बता दे रही हूँ, जैसे आपका है बालक, अब एक वचन प्रथमा विभक्ति में बालक, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान। बालकें, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाए, बालकाभ्याम, मैं इस तरह से लिख रही हूं बच्चों, बालका, बालकाए, बालकाभ्याम और बालकेभ्य, बालकात, पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, फिर बालकस्य, षष्ठी विभक्ति बच्चों आता है, हम लेते हैं यहां पे बालकस्य, बालकयो, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, बाल की सप्तमी में आता है बाल के, के बालकयो हो, बालकाभ्याम, सॉरी बालकेशु, राइट। अब इस तरह से ये जो प्रथमा संबोधन जो होता है, जो हमारे प्रथमा विभक्ति में होते हैं वही आते हैं, तो हे बालक, अब हे लग जाता है हमारा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः,
हे बाल। तो ये हमारे जो है बच्चों, ये आपने संज्ञा शब्द सीखे, और ऐसे ही हमारे सर्वनाम शब्द भी होते हैं। आपको हर बुक में संज्ञा सर्वनाम शब्द मिलेंगे। अब हमारे पास आती है कारक। अब आपने तीनों चीजें सीखी। कौन कौन सी तीनों चीजें सीख ली? कर्म सीखा, कर्म किसे कहते हैं? ठीक है, आपने ये सीखा कि कर्म किसे कहते हैं, जो काम हो रहा होता है वो क्रिया कहलाता है, जो काम, कौन सा काम हो रहा है वो कर्म कहलाता है। कर्म हर वाक्य में, ऐसा नहीं है कि कर्म हर वाक्य में हो, कर्म वाक्य में नहीं भी हो सकता है और कर्म वाक्य में हो भी सकता है। देखिए, कर्ता और क्रिया कंपलसरी है, कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है। ये बात को ध्यान से सुनिए बच्चे, सीता जाती है वाक्य बन गया, लेकिन बिना क्रिया के कर्म वाक्य नहीं बनता है। पर जो कर्म होता है वो वाक्य में हो भी सकता है और वाक्य में नहीं भी हो सकता है। तो कर्म हमारा जो होता है वो कार, उसके लिए, कर्म के लिए हमने क्या क्या सीखा आपके पास? हमने सीखा कारक, और कारक जो हमने सीखे 7 प्रकार के होते हैं, संबोधन 8वां होता है। इसी तरह से हमने फिर विभक्तियां सीखी, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विभक्तियां होती हैं। अब विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ये संज्ञा 8 विभक्तियां, 7 विभक्तियां होते हैं, संबोधन। ओके, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए, आपको एक उदाहरण के लिए मैंने आपको ये समझाया। अब क्या होता है बच्चों, संज्ञा शब्द, अब देखिए आपको पता है संज्ञा शब्द, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में, पिछले वाली क्लासेस में बताया और बताया हुआ है कि संज्ञा शब्द जो होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग जो होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं, काफी होते हैं। हम इसे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, हम डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आ रही हूँ। देखिए, ये शब्द, संज्ञा शब्द के 6 भेद होते हैं। एक अजंत पुल्लिंग, जिसके अंत में, अब आप संज्ञा शब्द बहुत सारे होते हैं, आपको पता है संज्ञा, देखिए ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ये तो केवल एक तरीके, और भी संज्ञा, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझाया था कि त्वम, युवाम और युयम, अहम, आवाम और वयम, इसके अलावा जितने भी शब्द होते हैं वो किसमें चलाते हैं? संज्ञा शब्द में आते हैं। तो संज्ञा बहुत सारी होती है। अब संज्ञा पुल्लिंग भी होंगे, स्त्रीलिंग भी होंगे, नपुंसकलिंग भी होंगे। अब उसके साथ साथ ये आपके हलंत पुल्लिंग भी होंगे, हलंत स्त्रीलिंग भी होंगे, हलंत नपुंसकलिंग भी होंगे। आपको हलंत का मतलब मैंने बताया था, हलंत का मतलब ये है कि जिसके अंत में स्वर न लगा हो। देखिए यहाँ पे न लगा है, यानी कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, इन शब्दों में कहीं पर कोई स्वर नहीं लगा हुआ किसी में भी, तो ये कहलाते हैं हलंत शब्द। हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। तो आपके पास ये अजंत पुल्लिंग, जैसे राम, हरि, गुरु, साधु, पितृ, ये क्या है? अजंत पुल्लिंग है ना। और ये अजंत स्त्रीलिंग, जैसे लता, मति, नदी, भेलू, वधु, मातृ, गौ, ये आपके हो गए अजंत स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग हो गए, जैसे फल, वारी, मधु, ये नपुंसकलिंग। हलंत वाले, राजन, भवत, गच्छत, सम्राट, दिग्वत। और हलंत स्त्रीलिंग, जैसे सरित, संपद और समिध, वाच, देश। और हलंत नपुंसकलिंग, मनस, महत, मान, नामक। अब इसके साथ साथ, अब सपोज मैंने आपको, मैं आपको संज्ञा के शब्द रूप चलाने के तरीके बता रही हूँ बच्चों। अब जैसे सपोज राम है, आप देखिए यहाँ पे राम है, इसके अंत में क्या है? अंत में क्या है? अ, राइट। अब जो अंत में हमारा अ है, उस अ वाले, अंत अ वाले शब्द राम की तरह से चलेंगे। जैसे राम, अब मैं आपको यहां लिख देती हूँ बच्चों, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये राम, ये बालक, ये देव, ये देव, और जैसे ये सूरज, सूरज बच्चों ये नाम, नाम के लिए कह रही हूँ, सूरज सूरज के लिए नहीं है ये, सूरज नाम के लिए। तो इनमें क्या होंगे? ये पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग कह रहे हैं। अजंत पुल्लिंग तो है ही है,
ये अकारांत पुल्लिंग से लेंगे, ये सब एक समान जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको लिखा है, आपको अब मैं अपनी क्लास की तरफ लेके चलती हूँ। जैसे मैंने आपको लिखा है, बताया है, ये देखिए, यहाँ अगर हम करें बालक, अब राम भी अकारांत है, मैंने जैसे आपको राम बताया, तो हम हमारे रूप कैसे चलेंगे, राम राम रामऊ रामा, रामम रामऊ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेश्वर, है ना। अगर हम देव के बोले तो देवः देवौ, यहाँ से देवः देवौ देवः, देवम देवौ देवान, देवे देवेन देवाभ्याम देवई, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवेषु। तो एक समान चलते हैं, जैसे मैंने धातु रूप में बताए थे एक समान चलते हुए, वैसे यहाँ पर भी एक समान चलते हैं। हाँ, पर अब एक बार फिर और लेके चल रही हूँ, अगर हमारे ये हरि के रूप दूसरी तरीके से चलेंगे, क्यों, क्योंकि हरि में अंत में ई है, ये इकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द है, ये गुरु के, अब हरि की तरह से जितने इकारांत पुल्लिंग अजंत पुल्लिंग शब्दों में, वो सब एक समान चलेंगे। जैसे आपने राम की, है ना, गुरु के उकारांत है, यहाँ पर गुरु क्या है, उकारांत है बच्ची, यहाँ पे क्या है, उकारांत, उकारांत वाले जितने शब्द होंगे पुल्लिंग अजंत पुल्लिंग में, वो सब एक समान चलेंगे। साधु, साधु में ये सब एक समान चलेंगे। पितृ, पितृ में क्या है बच्चों, ये ऋकारांत है, ऋकारांत में एक समान चलेंगे। तो आपको चलाने के तरीके आने चाहिए। जैसे स्त्रीलिंग में हमने बोला लता, आकारांत, ये नीचे अंत में क्या है बच्चों, आकारांत वाले जितने स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो सब एक समान चलेंगे। अब जैसे मति, इकारांत है, इकारांत वाले जितने स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो एक समान चलेंगे। इकारांत, इकारांत में जितने स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो आपको एक समान चलेंगे। धेनु, वधु, मातृ, ये सब के एक पर्टिकुलर हम यहाँ अंत में देखते हैं, अंत वाले शब्द को देखते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, है ना। जैसे इसमें ई है, इसमें ऊ है, ये ऊ है, ये ई है, तो इस तरह से हम देखते हैं और हमारे रूप याद करने के तरीके पता चल जाते हैं हमें कि ये एक ग्रुप है, है ना। इस ग्रुप के एक समान चलेंगे, एक याद कर लीजिए आपको सारे याद हो गए, इकारांत वाले एक याद कर लीजिए आपको सारे याद हो गए। तो इस तरह से हम संज्ञा और सर्वनाम शब्द जब मैं सिखाऊं करवाऊंगी तब मैं आपको सर्वनाम शब्द के बारे में बताऊंगी। आप, मैं समझ रही हूँ आप अच्छी तरह से समझते होंगे। अब हम सीधे अपने काम की तरफ चलते हैं और देखिए आपको मैंने अब ये संज्ञा दी, ये आपको मैंने संज्ञा शब्द के विभक्तियां भी सिखा दी। अब देखिए कर्ता ने, यहाँ आया कर्ता ने, तो कर्ता ने आपकी प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने आपकी आएगी ये प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए ये चतुर्थी विभक्ति, अपादान से ये हमारी पंचमी विभक्ति, संबंध काकी के ये षष्ठी विभक्ति, और फिर उधर जाइए अधिकरण में पर तो ये सप्तमी विभक्ति और अष्टमी संबोधन ही उभरे। तो अब हमारी ये जब हमारे पास चिन्ह आएंगे ये वाले, कर्ता नहीं आया तो हम सीधे कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा लगाएंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन वाक्य के हिसाब से। अगर हमारे पास द्वितीय विभक्ति आई, कर्म को आया, तो हमारे पास द्वितीय विभक्ति लगाएंगे बालकम बालको बालका वचन के हिसाब से। इस प्रकार हम तीसरा करण से संप्रदान के लिए विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सृष्टि के साथ एक वो विभक्ति लगाते हैं। आपको दिक्कत नहीं होगी, एक के साथ एक आपके पास वो विभक्तियां लगी हुई है। तो बच्चों मैं अब आपको कुछ ये उदाहरण दे करके, वाक्य के उदाहरण दे करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारे मैंने ये वाक्य ले करके हैं बच्चों, और जो ये वाक्य हमारे लिखे हुए हैं, ये देखिए ये सारे वाक्य मैंने आपके पास लिखे हुए हैं और मैं ये वाक्यों को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। आइए हम इन वाक्यों को, वाक्यों की संस्कृत बनाते हैं, राइट। तो राम पुस्तक पढ़ता है।
अब आप ये देखो बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें आपको भी मैम चिन्ह तो है नहीं है, कारक चिन्ह तो है नहीं है कोई, तो अब यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह जो है वो छुपा हुआ है, राम पुस्तक को पढ़ता है। अब आपको भी को क्यों आया और क्यों नहीं आया, तो मैं आपको देखिए मैं सारे चिन्ह लगा के दिखा रही हूँ, कोई वाक्य नहीं बनेगा। राम पुस्तक ने पढ़ता है, वाक्य नहीं बना, करता नहीं होता है ना, और द्वितीय होता है कर्म को, कर्म को आ रहा है, राम पुस्तक को पढ़ता है, ये राइट है। तीसरा हमारा राम पुस्तक के द्वारा पढ़ता है, ये भी वाक्य हमारा नहीं बनता है। हमारा वाक्य के लिए, पुस्तक के लिए पढ़ता है, ये भी नहीं बनता है। पुस्तक के पढ़ता है, ये भी नहीं बनता है। जो हमारा यहाँ चिन्ह छुप करके आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है बच्चों, को आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं राम जो है एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसकी संस्कृत, राम। आपको पता है पुल्लिंग में विसर्ग लगते हैं, राम पुस्तकम, पुस्तक को। अब अगर हम बात करें कि अब पुस्तक एक वचन है, तो हम देखिए अब आगे चलते हैं, आपको बालकम, ये बालकम है पुस्तकम। अब वैसे ये नपुंसक लिंग है, ये बालक जो है पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है आपके पुस्तक, तो नपुंसक लिंग के आपको रूप मिलेंगे बच्चों फल के, फलम फले फलानी फलम, तो ये फलम द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बनता है फलम, और बालकम भी बनता है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा पुस्तकम। ये आपका बच्चों ये जो है ना नपुंसक लिंग है, तो जो रूप हमारे चलेंगे नपुंसक लिंग के चलेंगे, और नपुंसक लिंग के रूप आपकी बुक्स में फल के होते हैं, तो पुस्तकम सॉरी फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी आता है, तो एक वचन में पुस्तकम आएगा, तो राम पुस्तकम। अब पठती, पठती क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा देखिए कौन सा लकार है, लट लकार है, वर्तमान काल है, लट लकार है, राम हमारा एक वचन है, तो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा, और पठती होता है, तो यहाँ से आएगा राम पुस्तकम पठती, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है घोड़ा पैरों से दौड़ता है। अब घोड़ा, घोड़े को क्या बोलते हैं बच्चों, अश्व, ये भी हमारा पुल्लिंग है, तो हम क्या लगाएंगे विसर्ग लगाएंगे, अश्व पैरों से। अब देखिए बच्चों पैरों से, ये क्या है पैरों से दौड़ता है, अब से में कौन सी विभक्ति है, आप देखिए इधर आइए, से में हम आपको मैं विभक्तियों की तरफ भी लेके चलती हूँ, ये विभक्ति करण से, पैरों से दौड़ता है ना, तो आपका क्या बनेगा से, तृतीय विभक्ति। अब देखिए तृतीय विभक्ति पैरों से, घोड़े के कितने पैर होते हैं बच्चों, चार, यानी बहुवचन, एक वचन द्विवचन और तीन या तीन से ज्यादा होते हैं तो वो बहुवचन में आते हैं, तो हमारे पैरों को बोलते हैं पादम, है ना, तो ये क्या आ जाएगा पादई, तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या आता है बच्चों पादई। आपको मैं जरा इसमें शब्द रूप में भी दिखा देती हूँ, आप देखिए शब्द रूप में आपके पास सॉरी ये रहा बालकई आया है ना, ये तृतीय विभक्ति आपका, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन बालकई, तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे पादई, राइट, पैरों से धावती दौड़ता है, ये भी हमारा वर्तमान काल का वो है वाक्य है, और घोड़ा एक वचन है, तो यहाँ पे दौड़ता भी क्या आएगा धावती, और ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में जाएगा धावती, राइट, ओके। अब आगे चलते हैं बालक पैरों से दौड़ता, अब मैंने देखे दो सेंटेंस एक जैसे लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं ये बताने के लिए कि बालक, अब बालक का क्या होता है पुल्लिंग, बाल का है ना पैरों से, अब बालक के पैर देखिए घोड़े के पैर चार होते हैं, तो ये हमारे किस पे गए बहुवचन में गए, ओके, और ये बहुवचन में गया पैर, अब ये क्या होते हैं पैर दो होते हैं बालक के, तो बालक पैरों से, उसके कितने पैर है बच्चों दो, तो दो यहाँ पे क्या लगेगा द्विवचन लगेगा, तो आपको फिर मैं जरा रूप की तरफ लेके चलती हूँ, तो द्विवचन तृतीय विभक्ति में द्विवचन क्या बनता है बालकाभ्याम, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा पादाभ्याम, धावती।
अब आप ये देखिए, आपने देखा कि ये जब हमारे दो थे, बहुवचन था, चार थे तो बहुवचन हमने लगाया, और यहाँ दो हैं तो यहाँ पे हमने द्विवचन। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि पैरों से, और पैरों से दोनों जगह है, एक जगह मैडम पादी लगा रही है और एक जगह पादा ध्यान लगा रही है, राइट। आपको बात ये मेरी समझ आ गई। नेक्स्ट करते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ों से का क्या मतलब है, पेड़ों सॉरी सॉरी पेड़ों से पत्ते नहीं गिरते, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ते। अब एक पत्ते, एक पत्ता नहीं है, बहुवचन है, तो पत्ते को क्या बोलते हैं, पत्रम, है नपुंसक लिंग है, पत्रम पलम, ये नपुंसक लिंग है। और मैंने आपको बताया ना, पत्रम म आ रहा है पीछे, तो इसका मतलब नपुंसक लिंग है। और बहुवचन भी कह जाएगा, जैसे पलम पले पलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, पत्राणी, है ना। पत्राणी पेड़ों से, सॉरी पत्ते पेड़ से, पेड़ से मतलब, अब देखिए पेड़ से यहाँ पे आ रहा है, पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष, यहाँ पे आ रहा है वृक्षात, वृक्षात गिरते हैं, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ गिरने को क्या बोलते हैं, पत धातु, गिरने को क्या बोलते हैं, पत धातु। और पत धातु के लिए यहाँ पे बहुवचन है तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पतंती, अब बच्चों आप मुझसे पूछना चाहोगे, यहाँ पे देखिए पैरों से था तो हमने तृतीया विभक्ति बहु, तृतीया विभक्ति बहुवचन, ये बहुवचन या द्विवचन लगाया। अब यहाँ पे पेड़ से है तो हम पंचमी विभक्ति लगाइए, कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मैंने पंचमी विभक्ति क्यों लगाई। देखिए बच्चों आपने यहाँ आ जाइए, यहाँ करण से और के द्वारा, और यहाँ अपादान से। अब जो ये दोनों से में क्या फर्क है, दोनों से में फर्क है कि जब कोई चीज अलग नहीं होती है, अलग ना होने के अर्थ में, यहां हम लिख दें अलग ना होने के अर्थ में, और यहाँ अपादान जो है अलग होने के अर्थ में आता है ना। तो अब देखिए हमारा ये जो चलते हैं आगे, इधर आपको सेंटेंस की तरफ लेके चलती हूँ, ये यहाँ जो है पेड़ पत्ते पेड़ से गिरते हैं, जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, ये पत्ते अलग हो जा रहे हैं, पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में सब पंचमी, क्योंकि ये चीज यहाँ पे अलग हुई है, यहाँ देखिए अलग नहीं हुई है। बालक पैरों से दौड़ते हैं, पैर अलग नहीं हो रहे हैं, बच्चे के साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों में फर्क है, यहाँ चीज अलग नहीं हो रही है, इसलिए तृतीया विभक्ति द्विवचन या बहुवचन आएगा। यहाँ अलग हो रहा है, पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पंचमी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अध्यापक छात्रों के साथ जाते हैं, है ना, अध्यापक छात्रों के साथ, अध्यापक अध्यापक छात्रई, अब छात्रों के साथ छात्रई सह जाते हैं, अध्यापक एक है तो क्या आएगा, जाने जाते हैं, वर्तमान काल है तो आ जाएगा गच्छति, गम धातु है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति। अब ये बताइए छात्रा ही कौन सी विभक्ति है, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ, पहले वाले सेंटेंस की पादई और ये छात्रई, ये देखिए पादई और ये छात्रई, दोनों एक जैसे हैं। अब मुझे बताइए कि ये हमने पादई के समय में आपको कौन सी विभक्ति बताई थी, तृतीया विभक्ति बहुवचन, और यहाँ भी ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन छात्र, ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पर वहां तो से था, हमने देखिए यहाँ पे तो से था, हमने से के लिए तृतीया विभक्ति लगाती थी, लेकिन यहाँ पे तो से नहीं, यहाँ पे तो से है, ऐसा क्यों किया हमने,
अब मैं आपको बता दूं कि सार ये सार। अब यहाँ पे मैं एक आपको बता दूं ये सार को क्या बोलते हैं, सह, मैंने ये लिखा है संस्कृत में सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है ना, सह के योग में जहां पे सह साथ आएगा या सह आएगा, सात को संस्कृत में बोलते हैं सह, जहाँ पे सह आएगा वहां पे कोई भी चिन्ह लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हमें सह के योग में तृतीय विभक्ति ही लगाते हैं, क्लियर। तो इसलिए हमें के में वैसे कौन सी विभक्ति लगनी थी बच्चों, सृष्टि विभक्ति लगनी थी, सृष्टि विभक्ति क्यों लगनी थी, का की के, तो के में वैसे कौन सी लगनी थी, सृष्टि विभक्ति हमने नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग, राइट। ये एक अलग से नियम है, मैं बहुत नियम आते जाएंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वो विभक्ति जो चिन्ह बताता है वो विभक्ति न लगकर जो नियम होता है वो विभक्ति लगाई जाती है, राइट। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तुम दोनों बाजार जाते हो, तुम दोनों तो देखिए अब ये प्रथम पुरुष नहीं है, यह मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन को तुम दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों, युवाम। अब बाजार जाते हो मतलब चिन्ह छिपा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह छिपा हुआ, हमें चिन्ह निकालना है, तुम दोनों बाजार को जाते हो, तो बाजार को क्या बोलते हैं, हाट, और इसका हो जाएगा बाजार को हाटम, जैसे आपका यहाँ आया था पुस्तकम, है ना, ज्यादातर द्वितीय विभक्ति में अनुस्वार लगता है, हाट युवाम हाटम म लगता है ना, युवाम हाटम तुम दोनों गच्छति, अब इसमें क्या बताओ गच्छति आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन, आपको मैंने पुरुष सिखाया ना, तो क्या आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन, और मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, आप गम धातु पट धातु के रूप चलाइए, पठती पठत पठंती पठसी पठतः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गच्छतः, क्लियर, बात समझ आ रही है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, सूर्य प्रकाश के लिए होता है, सूर्य 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 प्रकाश के लिए कौन सी विभक्ति है, चलते हैं ऊपर विभक्तियों को चिन्हों को देखते हैं, हमने चिन्ह देखा के लिए कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति, सब प्रधान के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति का सूर्य एक होता है तो चतुर्थी पाल का आए, तो हमारा क्या लगेगा सूर्य आए, है ना, हमारा क्या सॉरी प्रकाश आए, सूर्य प्रकाश के लिए किसका चिन्ह है, प्रकाश के, तो प्रकाश आए होता है के लिए क्या लगता है, भवती, भू धातु, है ना, भू धातु के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब वही सूर्य एक वचन है पर वर्तमान काल है, तो भू धातु भवती भवता भवंती पठती पठता पठंती, यह हो जाएगा भवती, क्लियर, नेता घर से घर को जाता है, ये सेंटेंस हमने गलत लिखा है बच्चों, हमारा सेंटेंस जो होगा हम देखते हैं, नेता एक हटा देते हैं, नेता घर को जाता है ना, तो ये हम यहाँ हमारा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, नेता घर को जाता है, नेता घर को जाता है। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस और भी चेंज कर देती हूँ बच्चों, इधर देखिए थोड़ा सा बदल देती हूँ, नेता घर को जाएगा,
नेता घर को जाएगा, है ना। तो हमारा अब देखिए नेता, नेता को बच्चों नेता ही बोलते हैं, नेता घर को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो घर को क्या बोलते हैं, गृहम। आपको मैंने बताया द्वितीय विभक्ति एक वचन में म ज्यादातर लग जाता है, तो नेता गृहम जाएगा। अब ये लिट लकार हो गया, लिट लकार हो गया, और ये प्रथम पुरुष एक वचन, तो गमिष्यति। आपको मैंने रूप सिखाया लिट लकार में, गमिष्यति, गमिष्यति। आप रूप देखेंगे आपको समझ आता चला जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, हिमालय भारत का प्रमुख पर्वत है, हिमालय, तो हिमालय, हिमालय भी हमारा हिमालय है। हिमालय भारत का में कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों, ये का के, देखिए हम विभक्ति की तरफ चलते हैं, ये संबंध काकी के, है ना बच्चों। यहाँ पे एक और भी होता है संबंध काकी के और रारी रेप भी होता है, एक बार मैं यहाँ और आपको सिखा दू, यहाँ पे काकी के और रा री रेडियो, ये सारे चिन्ह होते हैं, राइट। तो अब हमारा क्या है, भारत का, है ना, तो संबंध है षष्ठी विभक्ति, और आप देखिए षष्ठी विभक्ति भारत, भारत का है, भारत एक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में हमारा क्या है, बालकस्य, तो यहाँ पे आएगा बच्चों हिमालय भारत का में भारतस्य। हिमालय भारत से, हिमालय भारत से प्रमुख पर्वत अस्थि है, यहाँ पे हमारा अस्थि आएगा है। देखिए ये यहाँ पे अब आपने देखा यहाँ में है कि संस्कृत, अब ध्यान देना बच्चों, ये कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये हमारा हमने यहाँ पर है कि संस्कृत लगाई अस्थि, है ना, यहाँ नहीं लगाई है? और यहाँ नहीं लगाई के लिए होता है, होता है, होता भू धातु, जाते हो गम धातु, लेकिन यहाँ हो ये प्रमुख पर्वत है, ये पर्वत क्रिया नहीं है, इसलिए हमें है कि संस्कृत लगाने से आगे बात समझ में, अगर यहाँ क्रिया होती ये क्रिया वाले सेंटेंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। ये वही अंतर है जैसे हम इंग्लिश में सीखते हैं बच्चों, ही प्लेज, है ना, और ही इज अ बॉय, अब ही प्लेज वह खेलता है, और है कि संस्कृत नहीं, है कि इंग्लिश नहीं लगाई हमने, ही प्लेज वह खेलता है, क्रिया लग गई तो खेलता है, हमने है कि संस्कृत नहीं लगाई, और ही इज अ बॉय इसमें क्रिया नहीं है तो हमने है कि संस्कृत लगाई, ठीक यहाँ पर भी है कि इंग्लिश लगाई, ठीक यहाँ पर भी, यहाँ पर क्रिया नहीं है इसलिए यहाँ पर है कि संस्कृत लगाई, राइट। क्योंकि कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहीं तो है कि संस्कृत लगती है और कहीं पर नहीं लगती है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि मैम आपने यहाँ तो है कि संस्कृत लगाई नहीं लेकिन यहाँ है कि संस्कृत लगा रहे, तो आप दोनों में फर्क समझो, यहाँ पे होता है क्रिया है, यहाँ पे जाएगा क्रिया है, यहाँ पे होता है, जहाँ पे होता है जहाँ पे क्रिया होगी वहां पे संस्कृत है कि संस्कृत नहीं लगेगी, यहाँ क्रिया नहीं है इसलिए यहाँ पे है कि संस्कृत, राइट। तो अब आगे हम चलते हैं और हम आगे करते हैं, कौवे का रंग काला होता है, कौवे का, कौए का, कौए का, आप देखो फिर चिन्ह की तरफ अब मैं आपको लेके चलती हूँ, का यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब कौवे, कौवा एक वचन है, ये देखिए कौवा एक वचन है, तो कौवे का, तो कौवे को क्या बोलते हैं बच्चों, काकस्य, जैसे भारतस्य, जैसे काकस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, काकस्य वर्ण कृष्ण कृष्ण होता है, होता है के लिए कौन सी होती है, जैसे हमने यहाँ पर भी आपको होता है के लिए क्या संस्कृत बताई थी, भू धातु, यह भी होता है के लिए भू धातु, और दोनों लट लकार है, तो
दोनों में लट लकार के धातु चलेगी और पठति पठत पठंती भवति, है ना। आप ये सारे मैंने आपको 10 उदाहरण देकर के आपको समझाए हैं बच्चों। मैं सोचती हूँ आप ये 10 उदाहरण के द्वारा काफी कुछ समझ गए होंगे। समय आने पर कभी बीच बीच में मैं आपको ये सेंटेंसेस समझाती रहूंगी। आपको अशुद्ध संशोधन में भी आपकी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। पर मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, वो ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी मेरी क्लास देखें उसके बाद आप क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखें, बहुत अच्छी तरीके से समझें। इसके बाद आप अपने घर में जो आपके पास प्रैक्टिस बुक हो, अगर नहीं है तो मेहरबानी करके आप बच्चों प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए और प्रैक्टिस बुक से आप सेंटेंसेस लेकर जो भी मैं करवाती हूँ वो लेकर प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको कहीं आपको दिक्कत होती है तो मैंने आप मेरा नंबर आपके पास आ चुका होता है और आप नंबर से मेरे से कभी भी किसी भी समय में बात कर सकते हैं। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट आउट करूंगी, ओके। और कहीं आप चिंता मत कीजिए, मेरे से जो क्वेश्चन जहां आपको मेरी बात नहीं समझ आती है आप मुझसे भेजिएगा, आप मुझे भेजिएगा, बिल्कुल फोन करके बात कर सकते हैं, राइट। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ बच्चों, हर क्लास के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं पूरे साल के लिए। पूरे साल का प्रोसेस हम करवाते हैं, हमारे पूरे साल में लगभग 9-10 का हम कोर्स करवा रहे हैं और 9-10 का कोर्स हम लगभग नवंबर तक खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, जो हमारे CBSE बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। और मैं सोचती हूँ बच्चों को बहुत कुछ समझ आएगा और समझ भी आ रहा होगा, राइट। और आप हो सके तो उन प्रैक्टिस पेपर को कीजिए, साथ मेरे रहेंगे तो आप हर समय वर्किंग रहेंगे और काम जब करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ओके। और मैं ये क्लास यहाँ फिनिश कर रही हूँ और ये नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी। जो भी टॉपिक सामने आएगा वो मैं आपको करवाऊंगी। और ये बच्चे सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, क्लास फिनिश करने से पहले मैं फिर आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑर्डर भी कर रही हूँ बच्चों कि आप मेरा कहना मानिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चे आपके सब्सक्राइब करने के बाद मेरा मैं मोटिवेट होती हूँ। और मैं रियली बताती हूँ बहुत बिजी शेड्यूल्स में से कुछ घंटे निकालकर आपके लिए क्लासेस बनाती हूँ। मुझे तभी क्लासेस बनाने में उत्साह आता है, मैं बहुत जल्दी उत्साहित रहती हूँ क्लास बनाने में। क्यों? क्योंकि मेरे पास आपके कमेंट्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं और मैं आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स को देखती रहती हूँ और जिससे मैं उत्साहित होती हूँ और उत्साहित होकर आपको जल्दी से जल्दी क्लास देने की कोशिश करती हूँ, राइट। तो और आपके सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन, मैं मोटिवेट होती रहूंगी और काम करती रहूंगी, ओके। तो क्लास फिनिश करने से पहले मैं बिल्कुल एक रटे रटाए डायलॉग को बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर को। और मैं यहीं पर ये सब कहते हुए मैं यहीं पर क्लास को फिनिश कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास देखिए मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।